हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड है, वेक्टर का। वेक्टर में हमने कल बात की थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हमने बात कर ली थी, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर एंड लाइक अनलाइक वेक्टर जिसे हम बोलते हैं। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, एडिशन ऑफ क्यूब वेक्टर। मान लो स्पेस में कोई दो वेक्टर है ए और एक वेक्टर बी है, और मुझे इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने तुम्हें बताया था वेक्टर के टू लॉज होते हैं, ट्रायंगल्स लॉ एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ। तो हम फर्स्ट लॉ की बात करने वाले हैं, ट्रायंगल्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो दिस वेक्टर इज ए प्लस बी वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। मान लेते हैं इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल जो है कितना है, थीटा है। थीटा एंगल है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। तो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल अपन ने थीटा लिया है, हमने ये एक्सटेंड कर दिया। यहाँ से इस वेक्टर का v वेक्टर इसका है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v। ये वेक्टर a है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a वेक्टर। तो b वेक्टर का हम कंपोनेंट अगर करेंगे तो ये आ जाएगा b cos थीटा, सिमिलरली ये आ जाएगा b sin थीटा। ये b sin थीटा हो गया, b cos थीटा हो गया। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टरों को ऐड करने पर जो नेट वेक्टर प्राप्त हो या सब्ट्रैक्ट करने पर जो नेट वेक्टर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं लिखूँ, ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ रिजल्टेंट वेक्टर को, तो ये लिखूंगा अंडर रूट फॉर्मूले के द्वारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। What is the theta? This is the angle between A vector and B vector. A vector and B vector. तो ये हमारा resultant vector का formula होता है कि resultant vector अगर A vector plus B vector का चाहिए तो under root A square plus B square plus 2AB cos theta। अब मान लो इन दोनों वैक्टरों के बीच में एंगल तो मुझे पता है थीटा है, पर रिजल्टेंट वेक्टर और किसी एक वेक्टर के बीच का मुझे एंगल निकालना है। लाइक मान लेते हैं मुझे ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और ये वेक्टर ए वेक्टर, इसके बीच का एंगल जो बोला मैंने अल्फा बोल दिया, तो यहाँ सर हमारा जो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा। मान लेते हैं इसको नाम देते हैं पी क्यू आर और ये वाले पॉइंट का नाम एस दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लिखेंगे टेन अल्फा क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है दिख रहा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, आर क्यू अपॉन बेस कितना है पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। आर क्यू, आर क्यू चूंकि हमने निकाला है कंपोनेंट करके, वो कितना है बी साइन थीटा, तो हम लिख देंगे बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू। क्या है पी क्यू, ये वाली लेंथ है, तो ये वाली प्लस ये वाली हम लिख सकते हैं पी क्यू को पी एस प्लस एस क्यू, और पी एस की जो लेंथ है वो ए मैग्नीट्यूड है और एस क्यू की जो लेंथ है वो है बी कॉस थीटा। सो नाउ हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड प्लस बोलो हाँ बी कॉस थीटा। अल्फा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम ये फिजिक्स के लेक्चर में आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं वेक्टर के बारे में, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। डिटेल में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को ले रहे हैं। तो आपका तो टेन अल्फा है वो है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस द एंगल बिटवीन, सॉरी ये ए एंड बी किसने लिखा, एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है, ए के बीच का और रिजल्टेंट के बीच का। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का ये एंगल है।
बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक, सिमिलरली तो अगर मैं बोलूं याद करने का तरीका कि टेन अल्फा किसके बीच का एंगल है, ए के बीच का एंगल है, तो जिसके बीच का एंगल है उसको अकेला लिख दो, और टेन को पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस और बी उसके बीच में छाप दो। जैसे कि मान लेते हैं सिमिलरली बी और आर के बीच का एंगल क्या होगा, बीटा होगा, और उसी प्रकार में एक दोबारा से ग्राफ बनाऊंगा, ये सॉरी फिगर बनाऊंगा, तो वहां से मैं टेन बीटा निकालूंगा जो कि क्या निकल आएगा, अगर आप समझ रहे हो कि अल्फा जो है ए के बीच का एंगल है तो ये अकेला रहेगा, और बीटा किसके बीच का एंगल है, बीटा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर, तो जिसके बीच का एंगल रहता है वो अकेला रहता है नीचे, तो बी के बीच का एंगल है तो बी क्या रहेगा बेटा, नीचे रहेगा। बेटा बी पे अगर वेक्टर नहीं लगाते हैं तो सिंपल बी लिखते हैं तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, अगर आपने उस पर वेक्टर लगा दिया तो आपको फिर मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें, ये और सिंपल, ये दोनों मैग्नीट्यूड ही बोले जाएंगे। ओके, तो टेन बीटा क्या है, बोले टेन अल्फा क्या था कि ए के बीच का एंगल था तो ए अकेला रहेगा, तो बी के बीच का एंगल है तो बी अकेला रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बचा कौन ए, तो ए इसके बीच में छाप देंगे। मेरे ख्याल से दोनों चीजों याद कर सकते हो कि टेन अल्फा टेन बीटा के बारे में अपन आराम से इन चीजों को याद कर सकते हैं कि टेन अल्फा क्या है और बीटा क्या है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये एडिशन ऑफ वेक्टर की चर्चा हो रही है। मान लो इसी में अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, क्योंकि मैं दोबारा नहीं सिखाना चाह रहा, सब्ट्रैक्शन एक तरह से मान लो जैसे कि मैं बोलूं 5 + 3 = 8, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है 5 + 3 में तो -3 को ऐड कर दो तो वो क्या आ जाएगा 5। तो एक तरह से सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, एडिशन ही है। नेगेटिव नंबर का क्या होता है बेटा, नेगेटिव नंबर का क्या होता है, ये आपका 2 रहेगा, नेगेटिव नंबर का क्या रहेगा, एडिशन कर दो। तो सब्ट्रैक्शन कुछ अलग चीज नहीं होती, एडिशन ही होती है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन भी यहाँ से सीखना चाहूँ तो यहाँ पर चूंकि ये बी वेक्टर है, अगर मान लो कोई वेक्टर बी है और इसका मुझे नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो बेटा मैंने कल समझाया था कि नेगेटिव वेक्टर को क्या कर दो आप, उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया करो, उल्टा कर दो, तो वो वेक्टर कैसा मिल जाएगा, माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आप इसको एक बार छाप लो, जब इसको छाप लोगे, पॉज करके छाप लेना, मैं यहीं पर सिखा दे रहा हूँ, तो जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं इसी में आपको सिखा दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, तो ये बी वेक्टर जो है इसका मैं ये माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ से एक जो रिजल्टेंट आएगा आपका, ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा ए वेक्टर प्लस का माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन भी इसी में हमने सिखा दिया। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट थोड़ा सा बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो अब मैं कुछ स्पेशल केस ले रहा हूँ, उनको समझ लो, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन और आगे चर्चा करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर जो है वो हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर एडिशन हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट रहता है। जैसे मान लेते हैं स्पेशल पॉइंट अगर मैं ले लूं, मान लेते हैं रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है, थीटा पहले लिया गया है 0 डिग्री, फिर ले लिया 90 डिग्री, फिर ले लिया 120 डिग्री, और फिर ले लिया 180 डिग्री। थीटा क्या है, दो वेक्टर ए एंड बी दो वेक्टर है, और थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी ए और बी के बीच का एंगल है। तो अगर मैं ए वेक्टर मान लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, अंडर रूट पहले लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो जरा क्या होता है, यहां लिख दो,
यहां लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बोलो कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब थीटा अगर जीरो डिग्री ले रहे हैं तो बेटा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू वन। तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो बेटा रिजल्टेंट यहां से डायरेक्ट आ जाएगा ए प्लस बी। आप सेपरेटली ऐड कर सकते हो दो वेक्टर को अगर उनके बीच का एंगल कितना है बेटा, हाँ जीरो डिग्री है। 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 120 में कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 बेटा माइनस 1/2 होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि माइनस 1/2 जो हमने कॉस थीटा की जगह रखा तो 2 से 2 कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस था तो माइनस का ए भी बचा। और 180 कॉस 180 बेटा सबको पता है कितना होता है, कॉस 180 की वैल्यू बेटा माइनस 1 होती है। इसलिए माइनस 1 जब यहाँ रखेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2 ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्ट आ जाएगा ए डिफरेंस बी। कौन सा बड़ा है उसको हम लिख देंगे वो हमारा आ जाएगा, समझ में आ गई ना। तो ये ए डिफरेंस बी हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये जो बात है ये एडिशन, दो वेक्टरों के एडिशन की बात चल रही थी। अच्छा अगर आप ये देख लो अगर दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2a। अगर बराबर यहाँ पर दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है ना, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2a, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2a। और ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि ए ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। आज बच्चों अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू।